हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। क्लियर, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमारा चल रहा था सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, और उसकी शायद 6 पार्ट्स आप देख चुके हो। प्रीवियस क्लास में हमारा टाइम से रिलेटेड काम हुआ था कि टाइम का आप मेजरमेंट कैसे निकालते हो या टाइम के क्वेश्चनों को कैसे करते हैं। आज हम उसी पैटर्न पर रेट के बारे में बात करेंगे, यानी दर के बारे में, कि दर का क्या हिसाब किताब है, दर कैसे निकाली जाती है, जो बेसिक कंसेप्ट है उसके ऊपर देखेंगे। एक छोटे से क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं कि कोई धन चक्रवर्ती यानी SFCL दर पर 3 साल में 8 टाइम यानी 8 गुना टाइम्स हो गया, 8 गुना हो जाता है तो दर होता है। बहुत सिंपल सा, सभी को लगभग आता भी होगा या जिन्होंने स्टार्टिंग से क्लास करी होगी तो इस कंसेप्ट को समझ गए होंगे कि 1 रुपया 8 हो जाता है। क्लियर, 1 रुपया 8 हो जाता है कितने समय में, आप लोगे 3 साल। तो अब आपको अगर कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा तो आपको ये पता है कि ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है, अमाउंट मतलब निश्चित है जिसमें ब्याज सहित रकम है। 3 साल में ये प्रोसेस हुआ है, यानी बेसिक टू आपका 3 बार ये हुआ, यानी 3 बार कोई चीज सेम मल्टीप्लाई होकर 1 बना लिया, 3 बार कोई चीज सेम मल्टीप्लाई करके 8 बना लिया। अगर 1 साल पर पहुंचना है तो 3 के कारण आपको क्या निकालना होगा, क्यूब रूट। इसका क्यूब रूट निकालो 1 और यहां पर आ जाएगा 2, यानी 1 रुपया 2 हो जाता है 1 साल में। तो ब्याज कितना आया, 1 ब्याज 1 पर क्या कहलाएगा, आप बोलोगे 100%। ब्याज की दर कितनी हो गई, 100% हो गई। क्लियर है, वही जो आप बेसिक कंसेप्ट में आप समझे थे, यानी क्वेश्चन ऐसे है, आप 1 रुपया 2 हो जाता है पहले साल में, 1 रुपया 2 हो जाता है दूसरे साल में, 1 रुपया 2 हो जाता है तीसरे साल में, आपके पास इसको अगर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये है। क्लियर है, और आपको जो बता रखा है क्वेश्चन में वो ये बता रखा है के 1:8, तो यहां पर 1:8, 2, 1:2 और 1:2 ये मल्टीप्लाई होकर 8 आया, ये मल्टीप्लाई 1 होकर 1 आया। दर निकालने के लिए आपको इस पर पहुंचना होगा। क्लियर, और इस पर पहुंचने के लिए आपको क्या निकालना होगा, क्यूब रूट। 2 साल का हो तो अंडर रूट निकालो, 3 साल 3 साल का तो क्यूब रूट निकालो, 4 साल का हो तो 4 निकालो। क्लियर, तो यहां से फिर आप सीधा जैसे आप क्यूब रूट निकालोगे तो 1:2 पर पहुंच गए, यानी पहले साल पर पहुंच गए, क्योंकि दर वार्षिक होती है, 1 साल की होती है। तो यहां से हमने मेजरमेंट निकाल लिया कि दर कितनी है, 100%। मैं उम्मीद करता हूं ये वाली बात आपके समझ आ गई होगी कि बिल्कुल वही बात है जो हमने समय के लिए करी थी। समय में बस वो समय निकालने की कोशिश करी थी और यहां पर हम किसकी कोशिश कर रहे हैं, दर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं, आप उसको ट्राई मारो थोड़ा सा, यहां पर मैं चेंज कर देता हूं, 27/8 गुना। फिर बोल देता हूं, कोई धन चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 साल में 27/8 गुना हो जाता है तो चक्रवर्ती ब्याज की दर आपको बतानी है। दर को देखते हैं तो आप बोलोगे 8 27 हो जाता है तो 3 साल के लिए क्यूब रूट निकालें, तो यहां पर 2 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा। ये 1st ईयर पर पहुंच गया तो यहां पर 1 अपने पास आया, 2 पर 1 ब्याज मिल रहा है तो दर अपने पास क्या कहलाएगी, 50%। कोई आपको फॉर्मूला ट्रिक की तरफ नहीं जाना है, पहली चीज ये कि फॉर्मूला इसका कुछ बनाने कुछ किताबों में दे भी रखता है। आप सीधा सीधा कंसेप्ट, वही कंसेप्ट जो हम कंटिन्यू करते आ रहे हैं उसी से हम सभी क्वेश्चनों के आंसर निकाल। कुछ और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं जो प्रीवियसली पेपर में आए हुए हैं उनको हम सॉल्व करते हैं। जैसे कि एमटीएस में एक क्वेश्चन आया हुआ है,
उसको हम देखते हैं एक बार आंटी, इसमें इसमें बता रखा है कोई धन जो कि, या ऐसे लिख लो आप इसको इंग्लिश में देखकर, इफ द सर्टेन सम ऑफ मनी, ₹225, ये क्वेश्चन में है, ₹225 दो साल बाद 256 हो जाते हैं चक्रवर्ती ब्याज पर। तो ब्याज की दर बताए, ब्याज की दर आपको बतानी है कि अगर ₹225 दो साल बाद 256 हो जाता है तो ब्याज की दर आपको बतानी है। क्लियर, सिंपल है। अब 225 आपको दे रखा है और यहां पर आपको दे रखा है 256। अब दो साल है तो आपको अंडर रूट करना होगा। क्लियर, दो साल है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट करना पड़ेगा। अब आप आइडिया लगाओ कि यहां पर कितना आ जाएगा, ये किसका, आप अंडर रूट अगर आप निकालते हो तो 15 का ये स्क्वायर है, यानी 15 का जब स्क्वायर करते हैं तो 225 हो जाता है, और अंडर रूट करते हैं तो अपने पास कितना जाता है, 15। और इसको देखना चाहो तो ये 16 का है, तो यानी 15 पर एक ब्याज अगर आपको मिलता है, 15 पर अगर आपके पास ब्याज मिलता है तो ब्याज की दर कितनी हो जाएगी, 8 से 1/3। क्लियर, इतना सिंपल है। आपको कई बार वो रकम भी दे देता है, रकम देने के बाद भी आपसे पूछ सकता है कि दर क्या है। एक तो और क्वेश्चन करते हैं, ये आपके पास एमटीएस में आया हुआ क्वेश्चन है 2018 के अंदर, ओके, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा बेसिक था। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत सारे बच्चों को यह आता होगा, और जो बिगनर्स हैं जो अभी पहली बार कॉम्पिटिशन देना चाह रहे हैं उनको ये क्वेश्चन आना चाहिए और सीखना चाहिए कि कैसे इस तरह के क्वेश्चन जो बहुत सिंपल है, इनसे सिलेक्शन नहीं होता, ये तो करने ही करने हैं, ये तो आपके रूटीन में होने चाहिए कि आप इस वाले क्वेश्चन को ना करके कोई और क्वेश्चन कर रहे हो, इसको छोड़ रहे हो, ये भी छोड़ने वाला नहीं, ये करने वाला क्वेश्चन है, करके ही आगे बढ़ना। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। दर निकालने पर आपकी क्लास अपनी रहेगी पूरी फोकस, और अगला क्वेश्चन अपने पास है जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखेगा कि सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं सीधा सीधा लिख देता हूं, यहां पर प्रिंसिपल क्वेश्चन में दे रखा है, ये आपका प्रिंसिपल है। क्लियर है, और अमाउंट क्वेश्चन में दे रखा है 145, लैंग्वेज में दे रखा है, मैं थोड़ा सा सिंपल बनाने के लिए, और टाइम आपको दे रखा है 3 मिनट। आपको रेट बतानी है, रेट अपनी क्या होगी, और पूरा प्रोसेस कंपाउंड इंटरेस्ट का है, पूरा प्रोसेस किसका है, कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो अब आप क्या देखोगे, ये आपका प्रिंसिपल है, ये आपका ब्याज सहित रकम है, 3 साल है, तो आपको क्या निकालना है, क्यू रूट, क्यू रूट निकालना है, जो जितना हो सके उतना थोड़ा सा आप सरल कर लो। वैसे अगर आप चाहो तो इसको आप काट लोगे तो 512 आ जाएगा, और इसको काट लोगे तो मैं इसको काट रहा हूं 7/2 6। क्लियर है, और देखें इसमें एक बार करेक्शन तो नहीं हो रहा, क्वेश्चन में देखते हैं कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं, तो मेरे को हिसाब से काटना चाहिए पूरा, तो ये आ रहा है अपने पास 5800, हाँ सही सही सही, यहाँ पर 9 आएगा और ये अपने पास आ जाएगा, अपने पास यह है 8 का और ये है 9। क्लियर है, तो यहां पर अब अपने पास एक ब्याज मिलेगा, 8 पर मिलेगा, तो अपने पास कितना आ जाएगा, 12.5। क्लियर, इतना सिंपल सा अपने पास है ये।
और सीधा सीधा सा इसी तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं। कभी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए तो मैं उम्मीद करता हूं अपना ये कर पाओगे आप। इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन जो बहुत छोटे लेवल के एग्जाम में आते हैं उनको उनको सबसे पहले करना आपको आना चाहिए। आगे बढ़े, अब इसी कंसेप्ट पर एक और चीज सीखते हैं जिसमें आप थोड़ा सा दर्द से हटकर बात करेंगे। जैसे हम प्रीवियसली सोच रहे हैं, जैसे मैं बोल रहा हूं कि कोई धन है ये पी है, अब मुझे बताओ जैसे मैं यहां पर आपको बोल दूं कि दो साल बाद ये 3p हो जाता है, तो आप बोलोगे दो साल बाद कितना हो जाता है। क्या अब आप मुझे बता सकते हो कि आगे के दो साल बाद ये कितना हो जाएगा? आगे के दो साल बाद तो आप बोलोगे यहां पर 1:3 है, तो अगले दो साल के लिए भी 1:3 होगा, यानी यहां पर ये कितना हो जाएगा? 9। आरी बात समझे? यानी कोई एक रुपया अगर आप किसी एक दर से ब्याज पर लगाते हो और वो दो साल बाद 3 रुपया मिल जाता है, तो फिर आप अगला दो साल का भी बता सकते हो कि यहां पर अगर प्रिंसिपल 3 है तो वो कितना हो जाएगा? 9। आगे बता सकते हो दो साल बाद भाई ये अपने पास 1 है तो ये कितना हो जाएगा? 27। यानी अब आप ये बता सकते हो दो साल के किसी भी स्लॉट में, कितने भी स्लॉट में दो साल के बाद वो मुझे आपको आप आंसर निकाल सकते हो कि यहां पर 1:3 रहेगा, 1:3 रहेगा। लेकिन ये जरूरी है कि जो गैप है या टाइम ड्यूरेशन का जो गैप क्वेश्चन में हो वो कैसा हो? फिक्स हो। चाहे फिर यहां 4 लिखा हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, चाहे फिर यहां 1 ही लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर आपको ये अवेलेबल है कि दो साल बाद 1:3 हो जाता है, यानी 1 रुपया 3 हो जाता है, तो अगले दो साल बाद 3 रुपया 9 हो जाएगा, अगले दो साल बाद 9 रुपया 27 हो जाएगा। चाहे फिर यहां पर कोई चेंज कर दू, हमें 3-3 कर दू तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्लियर? कोई आपके पास फर्क नहीं पड़ रहा। आपको ये इंफॉर्मेशन दे रखी हो कि कोई धन 3 साल बाद तिगना हो जाता है चक्रवर्ती ब्याज की दर से, तो 3 साल का कोई भी स्लॉट आप 27 साल बाद बता सकते हो, आप 81 ईयर बाद बता सकते हो, आप जो भी 3 का फॉर्मेट है उस पर आप बता सकते हो कि उतने साल बाद ये कितना हो जाएगा। ये अब चेंज का, हाँ ऐसा नहीं बता सकते ये 3 साल हो यहां पर 6 साल हो या वाला गैप 6 साल का, तो नहीं बताया जा सकता। क्लियर? पूरा एक स्लॉट सेम रहना चाहिए। क्लियर? पूरा एक स्लॉट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, फिर आप कुछ भी बता सकते हो। अब अगर मैं यहां पर आपको प्रिंसिपल 2000 रुपए दे दूं तो अब आप बता सकते हो कि यहां पर कितनी 6 साल बाद कितना हो जाएगा। तो 6 साल बाद 1 रुपया, अगर 1 रुपया 9 हो जाता है तो 2000 रुपया 9 times हो जाएगा, यानी ये अब अपने पास कितना हो जाएगा? 9 times। आपके पास कभी ऐसा कोई क्वेश्चन बन के आए तो आप इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हो। ये वाला कंसेप्ट पर आप थोड़े से क्वेश्चन करते हैं जो प्रीवियस ईयर पर आए हुए हैं। क्लियर है? जी समझना, ये वैसे भी आपको आ गया होगा कि कंसेप्ट में आप ये बार बार यूज कर रहे हो कि चक्रवर्ती ब्याज में वहां पर बस ये था कि 1 साल के लिए था, लेकिन अगर आपको 3 साल का मिला हुआ है, 4 साल का मिला हुआ है, 1:3 या 1:2 कुछ भी, वो उस वाले स्लॉट में, उस तरह के हर स्लॉट में वैसा का वैसा ही रहने वाला है। क्लियर? तो एक क्वेश्चन करते हैं इस चीज पर, आप चाहो तो इसको उतार लो, और बहुत काम की चीज है, आपको कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं, काम आएगी आपके काफी। और कुछ प्रीवियस क्वेश्चन आप इससे कर सकते हो, जैसे एक क्वेश्चन है सिंपल सा, उसको करने की कोशिश करना कि कोई धन, क्वेश्चन है आपके पास कोई धन 2 साल बाद 4500 और 4 साल बाद 6750 हो जाता है, तो मूलधन बताए, तो आपको बताना है मूलधन। क्लियर है? तो देखो आपका प्रिंसिपल है जो 4 साल बाद और 2 साल बाद 4500 हो जाएगा,
और यहां से 4 साल बाद यानी ये वाला स्लॉट कितना हो जाएगा, 2 का ही होगा। इस तरह अब आप देखो, पहले हम इन दोनों का ये इन दोनों का रेशो देख लेते हैं। पर आप रेशो देखो इसमें 25 का 16 17 18 ये 24 25 26 27 यहां पर 2 और 3 2:3 है। क्लियर है? तो यहां पर भी इस पहले 2 साल में भी क्या होगा, 2:3 पहले 2 साल में भी क्या होगा, 2:3 होगा। इस 2 की वैल्यू कितनी इस 3 की वैल्यू कितनी बता रखी है, 4500। अगर 3 की वैल्यू है तो मूलधन के लिए आप 2 से कर दो, तो 2 के लिए अपने पास कितना हो जाएगा, इसको अगर अपन काट लेते हैं तो अपने पास हो जाएगा 3000। तो अपना प्रिंसिपल हो जाएगा 3000 रुपए। कुछ बच्चे कुछ गड़बड़ करते हैं, जैसे यहां पर अगर मैं आपसे दर की पूछूं तो डायरेक्ट आप दर नहीं निकाल सकते, 2 और 3 एक साल का हिसाब किताब नहीं है, ये कितने का है, 2 साल का हिसाब किताब है। तो इस वाले क्वेश्चन में आप डायरेक्ट दर नहीं निकाल सकते, ये हमेशा ध्यान रखना। 2:3 को कहीं एक साल का मत समझना, ये 2 साल का स्लॉट है, इसलिए दर आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, ये हमेशा ध्यान रखना। मूलधन आप निकाल सकते हो। अब मैं आपसे पूछूं कि धन 6 साल बाद कितना हो जाएगा, तो अब आपके पास 2:3 2:3 आगे वाला भी कितना होगा, 2:3 होगा, आगे वाला भी कितना होगा, 2:3। इस 2 की वैल्यू ये दे रखी है, तो आपको किसकी निकालनी है, 3। इस तरह आगे का आप निकाल सकते हो, इस तरह का स्लॉट निकाल सकते हो। हर 2 साल का आप ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हो। अब याद रखना, ये 2 ईयर का है, ये 2 ईयर का है, ये 2 ईयर का है, ये 2 ईयर का है। अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, ये 16 आ रहा है और ये 81 आ रहा है, तो धन ये वाला 16 81 हो रहा है कितने साल में, 8 साल में, 2 साल 2 साल 2 साल 2 साल। इस तरह के क्वेश्चन कैसे भी तैसे कैसे भी घुमा कर आपके पास आ सकते हैं। आपको तैयार रहना चाहिए अपने कंसेप्ट से, कि आप उस कंसेप्ट को समझ गए हो तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। आप चाहो तो आप पॉज करके एक बार इसको उतार लो और फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, देखो बच्चों एक और क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, करा रहा हूं। कोई धन कोई धन 2 साल बाद 650 और 4 साल बाद 676 676 रुपीज हो जाता है, तो मूलधन बताए, तो आपको बताना है मूलधन। तो पॉज करें भाई, क्वेश्चन मैं वापस बोल देता हूं। कोई धन 2 साल बाद 650 हो जाता है, तो 4 साल बाद 676 हो जाता है, तो मूलधन आप बताएं, आंसर इसका निकालें पॉज करके। देखें पी प्रिंसिपल 2 साल बाद 650 और 4 साल बाद ये हो जाता है। अब आप क्या करो कि सबसे पहले इसका रेशियो निकाल लो। रेशियो निकालने के लिए मैं इसको 13 से काटता हूं, 13 का यहां पर 50, 13 का यहां पर 13 हो गया, और एक और काट लो आप इसको 25 26। तो यहां पर भी 25 26 होगा, इस 26 की वैल्यू 650 दे रखी है, आपको प्रिंसिपल यानी 25 निकालना है, तो वही आप 13 से काट दो, अपना आंसर आ जाएगा 625। ये काफी बार आया है, मैं आपको बताता हूं ये कहां पर आया है, SSC 10+2 में आया है, ये SSC CGL में भी रिपीट हुआ है। आपको और बताता हूँ, रेलवे के अंदर NTPC के अंदर ये काफी बार, ये कहीं कोई डाटा ही नहीं चेंज करा,
ओके, क्योंकि कुछ बच्चे इसमें कैलकुलेशन वाइज मिस्टेक खा जाते हैं। कोई डाटा नहीं चेंज करा, अगर आप प्रीवियस बुक्स निकाल के देखोगे, प्रीवियस बैच जो भी कंपटीशन की, जहां पर प्रीवियस ईयर और टॉपिक अपना सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है, ये कई बार कंपटीशन में पूछा। क्लियर है? आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन, कोई धन दस साल बाद और 20 साल बाद 99,450 हो जाता है। तो मूलधन, तो मूलधन आपको बता रहा है, मूलधन बता रहा है। क्लियर है? तो पॉज करके एक बार कर लो, बहुत सरल सा क्वेश्चन है। 10 ईयर दे रखा है, कई बच्चे सोचता है कि भाई कितना बड़ा क्वेश्चन आ गया। तो 10 साल बाद और यहां से फिर 10 साल बाद तो काट के देखिए एक बार, मैं इसको 3 से काटता हूं, 2 2 1 0, यहां पर भी 3 3 1 5। अब तो आगे काटने की जरूरत नहीं, कुछ बच्चे 5 को आगे ले जाते हैं। अगर आप इस 33 15 को देखो तो इससे 10 11 डबल है, तो आप इसी को यहां पर दो, इसकी वैल्यू दे रखी है 3315 की वैल्यू दे रखी है 66300, और आपको निकालना है। ये कैलकुलेशन का सबसे इजी तरीका कि आप कैलकुलेशन पर ध्यान भी रखें कि आपसे पूछ क्या रहा है। 44,200 अपना आंसर आ जाएगा, 44,200 इसका आंसर। एक लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूं आज की क्लास का, छोटी छोटी क्लास रखते हैं अपन, उसमें आपको लगेगा कि वो इससे होगा, लेकिन थोड़ा सा अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो वो इस मेथड से नहीं होगा। काफी बार वो भी रिपीट हुआ है, वही का वही डाटा क्वेश्चन में आता है, वैसा का वैसा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। काफी बार अपनी बुक में कर भी रखा होगा, सॉल्व भी कर रखा होगा, और देखते हैं जिसको आप कर पाते हो। देखो, कोई धन, कोई धन 2 साल बाद 8,000 रुपए और 5 साल बाद 27,000 रुपए हो जाता है। तो मूलधन बता है, क्लियर? अब आप देखो, तो ये उस पैटर्न से नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? वो देखो, प्रिंसिपल है 2 साल बाद 8,000, यहां से 5 साल मतलब ईयर लूप बनेगा, वो 3 साल का बनेगा। अब आप डायरेक्ट इसको काटकर यहां पर नहीं पहुंच सकते, यहां पर 2 साल का लूप है तो यहां पर 3 साल का लूप है, नहीं हो पाएगा। वो वाला तरीका जो भी हमने प्रीवियस क्वेश्चनों में देखा था, तो तभी हो सकता है यहां पर 2 हो, यहां पर 2 हो, या फिर यहां पर 3 हो, यहां पर 3। तो फिर आप कैसे करोगे? फिर आप ये भूल जाओ पीछे कुछ है, अपन ये मान लेते हैं ये अपना प्रिंसिपल, ये अपना अमाउंट है, 3 साल है, 3 साल है, तो आप क्या करो, 8,000 और 27,000 का क्यू रूट निकालो, और यहां पर आप पहुंच जाओगे 2 और 3 पर, यानी 1 साल पर पहुंच गए। याद रखना, यहां पर आप 1 ईयर की चीज पर पहुंच गए, 1 ईयर के हिसाब किताब पर पहुंच गए। ये यहां पर लेके जाओ,
क्योंकि यहाँ दो साल है, दो तीन पहला साल, दो तीन दूसरा साल, तो यहाँ पर चार और नौ आता है। इस नौ की वैल्यू ये है 8000। नौ की वैल्यू अगर 8000 है तो चार की वैल्यू कितनी होगी, तो आप बोलोगे 32000 बटा 9। ये क्वेश्चन ऐसा जैसा कई बार रिपीट हुआ, कोई डाटा चेंज नहीं हुआ, ऑप्शन में भी ये आपको मिलेगा कि 32000 बटा 9 आपका क्या होगा आंसर। एक और बात, यहां पर दर निकाली जा सकती है डायरेक्ट, क्योंकि आप कहां पर पहुंच गए हो, क्यू रूट करते ही एक साल पर, और दर आप निकाल सकते हो एक ब्याज दो पर है तो दर कितनी हो जाएगी 50%। इस तरह एक छोटी सी क्लास में, जैसे प्रीवियस एक छोटी सी 16 से लेकर 20 मिनट की क्लास में टाइमिंग को देखा था, तो आज हमारी क्लास में हमने दर को देखा है और कुछ अच्छे क्वेश्चनों को करने की कोशिश करी है। अब जो आपके कंसेप्ट हैं बहुत हद तक क्लियर हो चुके हैं, अब क्वेश्चनों के लेवल बढ़ेंगे, यानी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को साथ में लेते चलते हुए अब हमें लेवल बढ़ाना है, अपने क्वेश्चनों को और ऊपर तक उठाना। आप लगातार पढ़ते रहें, देखते रहें और आपको लगे अच्छा चल रहा है सब कुछ, पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, तो अपने सर्किल में अगर आपको लगता है कि शेयर करना चाहिए इस वीडियो चैनल को, तो आप कर सकते हैं। बहुत जल्दी हम अपने जो प्ले स्टोर से जो ऐप आप डाउनलोड करते हो उसको लेके आने वाले हैं, और उसमें हमारा पहला जो कोर्स होगा वो डेली क्विज को फोकस करके होगा, तो जल्द ही मैं आपको उसकी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। और कुछ एक कोर्स हम आप जल्द बनाने वाले हैं, जो नया जो तरीका या नया एग्जाम का होगा, जिसको आप सेंट्रल लेवल पर एक ही टेस्ट होगा सीईटी, उस पर भी हम बात करेंगे, उसके भी क्वेश्चन, उसके भी कोर्स को बनाने की कोशिश करेंगे। क्लियर है बच्चों, तो मिलते हैं अगली क्लास में, आप पीछे का रिपीट करते रहें और आगे देखते रहें। ओके, बाय।